बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। जी नाजरीन, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एल्बो मैक्रोनी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले लेंगे हम 3 से 4 कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, उसके बाद 2 से 3 गाजर, उसको इस तरह काट लेनी, और एक मीडियम साइज का कैबेज यानी कि बंद गोभी, 1 किलो चिकन जो कि चेस्ट साइड में लेके आपने उसको बॉइल करना है, नमक डालना है और उसको इस तरह बॉइल करके आपने उसके पीसेस। नेक्स्ट प्रोसीजर आपके सामने है, आपने 5 अंडे लेने हैं, एक एक करके उसमें डालते जाएं कुछ इस तरह। अंडे डालने के बाद सबसे पहले आपने इसको फेंटना है, फिर उसके बाद आपने इसमें फूड कलर डालना है येलो कलर में, और साथ ही आपने थोड़ा सा हसबे जायका नमक डाल लेना है कुछ इस तरह। उसके बाद आपने एक पैन लेना है और उस पैन में आपने ऑयल डालना है, और उसके बाद तमाम जो महलूल आपके पास था उसको उंडेल देना है। उसके बाद फूलों की तरह ये खिलेगा अंडा, और इसको आपने तोड़ना नहीं है, इसको आपने मिक्स करके उसके बाद आपने इसके पीसीस करने हैं। ये प्रोसीजर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। आपने इसके बाद पानी लेना है, उसमें नमक और साथ ऑयल जो है उसमें डाल देंगे, कुछ वो बॉयल होगा तो हमने अपनी एल्बो मैक्रोनी इसमें डाल देनी है। उसको मिक्सअप करना है और आपने 10 से 15 मिनट इसको दम पे रखना है ढक्कन देके। ये मेन प्रोसीजर है। इसमें आपने ऐसा करना है कि ये बिल्कुल नरम भी ना हो और बिल्कुल सख्त भी ना रहे, आपने न्यूट्रल वे अख्तियार करना है। ओके, तकरीबन हमारी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए, अब हमने इनको सिर्फ कुक करना है। तो जी इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल के बाद हमने सबसे पहले ऐड करना है इसमें कैरेट्स, तो उसको पकाने के बाद हमने इसमें कैप्सिकम डाल दिए, और उसके बाद बारी आती है कैबेज की। और जिसको इन तमाम सब्जियों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आपने इसमें डालना है क्या, चिकन। थोड़ा सा इसको आपने फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद हमने इसमें मसाला जात डालने हैं। साथ साथ मैं मेंशन करती जा रही हूँ, बोलती भी जा रही हूँ। हसबे जायका आपने नमक लेना है, 2 टेबलस्पून आपने ब्लैक पेपर ले लिया, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है, और उसके बाद चिली फ्लेक्स की बारी, वो भी 1 टेबलस्पून ही होगा। सारे स्पाइसेस और सारा इंग्रेडिएंट सारा मिक्स कर देना है, और जी जब सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपने इसको ढक्कन दे देना है 2 से 3 मिनट का। चलें जी, इसके बाद हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम इसमें सारा एल्बो मैक्रोनी इसमें हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह। अब इसको आपने किस तरह मिक्स करना है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आपको ये वीडियो में सब कुछ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमने अंडा बनाया था इसमें सारा आपने इसको डेकोर कर देना है कुछ इस तरह। लीजिए भाई, हमारा एल्बो मैक्रोनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अब हम इसको सर्व करेंगे इन प्लेट। तो नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप भी इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी मुख्तलिफ किस्म की डिशेज बना के खुद भी खुश रहें और अपने घर वालों को भी खुश रखें। जैसे कि ये मैक्रोनी देखते हुए कितनी खुशहाल लग रही है, नज़र आ रही है आपको, और इसको खाते हुए हमें और भी ज़्यादा खुशी हुई है। तो अल्लाह हाफिज़। एक नज़र यहाँ भी देख लें ताकि आपको अच्छी तरह याद रह जाए। स्टे ट्यून्ड विद मी, अल्लाह हाफिज़।